गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में, अपना टॉपिक रहेगा लेबर कॉस्ट वेरियंस। लेबर कॉस्ट वेरियंस क्या होता है? लेबर कॉस्ट वेरियंस होता है कि किसी भी वस्तु को उत्पादित करने में लगने वाली परमापित श्रम लागत व वास्तविक श्रम लागत में जो अंतर होता है, उस अंतर को हम लेबर कॉस्ट वेरियंस कहते हैं। तो लेबर कॉस्ट वेरियंस का मतलब क्या हो गया? बेसिकली लेबर कॉस्ट वेरियंस का मतलब हो गया आपकी स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट या स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट माइनस एक्चुअल लेबर कॉस्ट। यहाँ पे एस एस आ जाएगा, यहाँ पे एस
कि वर्करों को किसी भी वस्तु को उत्पादित करने के लिए कितना टाइम दिया था या कितने घंटे काम का उनको बोला हुआ। फिर स्टैंडर्ड रेट और यहाँ हो जाएगी टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट। ये तीन चीज अपने स्टैंडर्ड मिक्स में आएगी। फिर एक्चुअल मिक्स में आएगा आपका एक्चुअल ओवर्स, जितने घंटे उनको पैड किया गया है, एक्चुअल ओवर्स, एक्चुअल रेट और टोटल एक्चुअल कॉस्ट। ये तीन चीजें अपने एक्चुअल मिक्स में आती है। अब अगर इसमें एक ही प्रकार के श्रमिक है तो अपना यहाँ क्या आएगा, जैसे यहाँ दे दिए कि भाई 20 घंटे लगेंगे और 3 रुपए रेट है पर होवर्स की, इसी प्रकार से इसमें मान लो दे दिए कि 40 घंटे लगे और रेट मान लो 4 रुपए थी पर होवर्स की। अब इनका आउटपुट दे दिया यहाँ पे 1 मिनट और यहाँ मान लो दे दी 3 मिनट। तो ये तो इनका हो गया इनपुट और ये इनका हो गया आउटपुट। अगर अपने पास एक से अधिक है तो इसमें भी हमें क्या करना है कि ये मिक्स बनाने के बाद सबसे पहला काम जो इसमें कैलकुलेट करना होता है वो होता है न्यू एसेट्स, न्यू एसेट्स यानी न्यू स्टैंडर्ड ओवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। हमें यह डिसाइड करना कि नया एसक्यू हमें कैलकुलेट करना है या नहीं करना। मटेरियल की तरह इसमें भी सारे वो स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, जैसे मटेरियल में हम कर रहे थे कि हम आउटपुट को मैच कर रहे थे। अगर दोनों का आउटपुट इक्वल है तो हमें न्यू एसक्यू नहीं कैलकुलेट करना है। अगर ये अनइक्वल है तो उस कंडीशन में हमें ये एसक्यू एसएच कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इस प्रकार से एक टेबल बनाना है और टेबल बनाने के बाद हमें क्या करना है, टेबल बनाने के बाद हमें चेक करना है कि उनका आउटपुट इक्वल है या नहीं है। अगर आउटपुट इक्वल है तो हमें न्यू एसएच कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। अगर आउटपुट डिफरेंट है तो हमें न्यू एसएच कैलकुलेट करना पड़ेगा। जब इसमें न्यू एसएच कैलकुलेट करेंगे तो न्यू एसएच का फॉर्मूला अपना वही होगा, उसी की तरह से इसमें आएगा पर्टिकुलर स्टैंडर्ड ओवर्स बटे स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू एक्चुअल आउटपुट। अब इसमें फिर अपने को आरएसएच कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बाकी हमें सब दिया जाएगा। तो हमें क्या करना है, डायरेक्ट फॉर्मूले लगाना है। जैसे फॉर्मूले की बात करें तो सबसे पहले हम निकालते हैं इसमें लेबर कॉस्ट वेरियंस जिसका फॉर्मूला आपका होता है स्टैंडर्ड ओवर इनटू स्टैंडर्ड वेरियंस माइनस एक्चुअल ओवर्स इनटू एक्चुअल रेट। ये हमें दिए हुए होंगे, अगर स्टैंडर्ड ओवर्स नहीं दिए हुए हैं तो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, यहाँ आपको नंबर ऑफ वर्कर दिए जाएंगे कि कितने वर्कर हैं इनटू वर्किंग ओवर्स और वो कितने घंटे काम करेंगे, ये आपको दिया जाएगा। एक वर्कर कितने घंटे काम करता है ये आपको दिया जाएगा। वो उनका वर्किंग आवर्स पर डे का हो सकता है, वीकली हो सकता है, मंथली हो सकता है। तो हमें हमारे जितने नंबर ऑफ वर्कर्स हैं उनको वर्किंग आवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को स्टैंडर्ड आवर्स मिल जाएंगे, या फिर अपने को स्टैंडर्ड आवर्स डायरेक्ट दिए हुए हो सकते हैं। इसी प्रकार से एक्चुअल ओवर्स है उनमें भी होगा, या तो हमें एक्चुअल ओवर्स दिए जाएंगे और अगर नहीं दिए जाएंगे तो हमें नंबर ऑफ वर्कर और उनके वर्किंग ओवर्स की इंफॉर्मेशन दी होगी, तो उनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास एक्चुअल ओवर्स भी कैलकुलेट हो जाएंगे। दूसरा इसमें हम कैलकुलेट करते हैं लेबर रेट वेरियंस। लेबर रेट वेरियंस का फॉर्मूला इसमें होता है एस आर माइनस ए आर यानी स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एच यानी एक्चुअल ओवर्स। तीसरा इसमें हम कैलकुलेट करते हैं
लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस होता है उसमें अपना आ जाएगा SH ओब्लिक माइनस AWH ओब्लिक AH इनटू ऐसा। अब ये AWH कब लगाना है और AH कब लेना है? AH का मतलब वो होवर्स जिनके लिए हमने पेमेंट किया है, AWH यानी वो होवर्स जितने होवर्स के लिए हम वर्किंग की है। उस क्वेश्चन में हमें आइडियल टाइम दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा? आइडियल टाइम। अगर किसी क्वेश्चन में हमें आइडियल टाइम दिया जाएगा तो उस क्वेश्चन में हम AH की जगह AWH यूज करेंगे। अब ये AWH कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो ये आपको होता है AWH इक्वल टू माय एक्चुअल वर्किंग आवर्स कि लेबर डे एक्चुअल में कितने घंटे वर्क किया। AWH जो होगा वो कैलकुलेट होगा AH यानी जितने घंटों के लिए हमने पेमेंट किया माइनस जो आइडियल टाइम है। उस आइडियल टाइम को अगर हम माइनस कर देंगे तो अपने को AWH मिल जाएगा। AWH हमें कब यूज में लेना है और AH हमें कब लेना है? अगर क्वेश्चन में आपको आइडियल टाइम की इंफॉर्मेशन दी जाए तो एफिशिएंसी वाले में AWH एक्चुअल वर्किंग आवर्स लेने हैं यानी इसमें से आइडियल टाइम को माइनस करना है। दूसरा AH, AS कब दिया जाएगा? जब आपको आइडियल टाइम की इंफॉर्मेशन नहीं दी गई हो। लगा इसमें भी मटेरियल वेरिएंस की तरह सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड और एक्चुअल मिक्स लेने हैं, फिर उनके द्वारा डिसाइड करना है कि हमें इसमें SH कैलकुलेट करना है या नहीं करना है। ये डिसाइड करने के बाद डायरेक्ट हम इसमें आगे वाला स्टार्ट कर देंगे। ये तो हो गया अपना सिंपल जब एक ही प्रकार की सामग्री से बना हो। अगर हम इसमें बात करें कि उसकी क्या स्टेप्स रहेंगे जब अपने पास एक से अधिक प्रकार की सामग्री हो, जब एक से अधिक प्रकार के श्रमिक या लेबर हो, उस कंडीशन में हम लेबर कॉस्ट वेरिएंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? अपना टॉपिक है लेबर कॉस्ट वेरिएंस। अगर एक से अधिक प्रकार के श्रमिक या लेबर हो तो हमें कौन कौन से वेरिएंस कैलकुलेट करने हैं? तो इसमें हो जाएगा सबसे पहले लेबर कॉस्ट वेरिएंस तो हमें कैलकुलेट करना ही करना है, दूसरा लेबर रेट वेरिएंस भी हमें कैलकुलेट करना होगा, अब तीसरा इसमें एफिशिएंसी वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी जो वेरिएंस है उसकी जगह अपने को लेबर मिक्स वेरिएंस, फिर इसमें आएगा लेबर मिक्स वेरिएंस, चौथा इसमें हो जाएगा लेबर रिवाइज्ड एफिशिएंसी वेरिएंस आ जाएगा, पांचवा इसमें आ जाएगा आइडियल टाइम वेरिएंस, और छठा जो इसमें हमें कैलकुलेट करना है वो आपका हो जाएगा लेबर यर्न वेरिएंस। तो यानी जब एक से अधिक प्रकार की सामग्री है तो उनमें हम ये छह प्रकार के वेरिएंस कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसमें भी लेबर रिवाइज्ड एफिशिएंसी वेरिएंस और मटेरियल लेबर यर्न वेरिएंस में से किसी एक को कैलकुलेट करना होगा, दोनों की मान है वो इक्वल आएंगे। अगर हमने लेबर रिवाइज्ड एफिशिएंसी वेरिएंस कैलकुलेट कर लिया है तो लेबर यर्न वेरिएंस कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं होगी। अब इसमें भी क्या करना होता है? तो इसमें भी वही स्टेप्स फॉलो करने हैं लेकिन इसमें कैलकुलेशन ज्यादा है थोड़ा सा। सबसे पहले इसमें स्टेप फर्स्ट अपना क्या रहेगा? स्टेप फर्स्ट वही रहेगा कि पहले आपको स्टैंडर्ड मिक्स और एक्चुअल मिक्स, पहला इसमें काम आइटम का हो जाएगा यानी जो अपने लेबर्स होगी, दूसरा SH का, फिर SR का, एक्चुअल मिक्स में आपका हो जाएगा AH AR और उसके बाद इसमें हमें RSH न्यू SQ निकालना हो तो वो आ जाएगा। अब यहाँ जो अपने को दिया जाएगा जैसे मान लो अपने पास एक ले लिया स्किल और एक ले लिया सेमी स्किल, दो प्रकार की लेबर्स अपने पास थी, ठीक है, इसने 200 घंटे काम किया, इसने 400 घंटे काम किया, टोटल इन्होंने 600 घंटे काम किया और फिर उनके आउटपुट लिए रेट मान लो 2 या 4, इसी प्रकार यहाँ पे 600 और 800 टोटल हो गया आपका 1400,
रेट थी 1 रुपये और 3 रुपये। तो सबसे पहले जो हमें इंफॉर्मेशन दी जाएगी उन इंफॉर्मेशन को हम यहाँ मिक्स कर देंगे, लिख लेंगे। जैसे इसमें क्या क्या चीजें आती है, इसमें आपकी ये चीजें आएंगी। स्टैंडर्ड मिक्स में आइटम आएगा, स्टैंडर्ड ओवर्स आएंगे, स्टैंडर्ड रेट आएगी, एक्चुअल मिक्स में एक्चुअल ओवर्स आएंगे, एक्चुअल रेट आएगी, और फिर हमें रिवाइज एसएस कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसका कॉलम इसमें आ जाएगा। अब इसमें क्या करना है, हमें ये सारी इंफॉर्मेशन लिखेंगे तो यहाँ नीचे आपको दिया जाएगा ये जो दिए गए हैं ये स्टैंडर्ड ओवर्स है एसएस यानी स्किल लेवल के लिए, और नीचे वाले जो दूसरे ओवर्स दिए गए हैं वो अपने सर्वे स्किल लेवल के लिए। इन दोनों का जो टोटल होगा जिसे हम कहेंगे स्टैंडर्ड इनपुट, टोटल स्टैंडर्ड इनपुट, और ये पर्टिकुलर स्टैंडर्ड ओवर्स या स्टैंडर्ड इनपुट कह सकते हैं। और ये नीचे जो अपने वो वैल्यू दी हुई है यूनिट में, ये हमेशा ओवर्स में होंगे। नीचे जो दी जाएगी उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड आउटपुट। अब यही एक्चुअल मिक्स में, इन दोनों को हम बोलेंगे एक्चुअल इनपुट या एक्चुअल ओवर्स, इन दोनों के टोटल को बोलेंगे टोटल एक्चुअल इनपुट या टोटल एक्चुअल ओवर्स, और ये जो आउटपुट होगा वो आपका हो जाएगा एक्चुअल आउटपुट। अब एक से अधिक प्रकार के जो सर्विक होते हैं उनमें हमें तीन चीजों के बारे में डिस्कस करना पड़ता है कि ये तीन चीजें हमें कैलकुलेट करनी। पहली न्यू एसक्यू, न्यू एसेट फॉर एक्चुअल आउटपुट। दूसरा इसमें हमें देखना होगा वो है आरएसएच यानी रिवाइज स्टैंडर्ड ओवर्स। तीसरा इसमें अगर आपको मटेरियल यील्ड वेरिएंस का दिया गया है तो स्टैंडर्ड यील्ड और स्टैंडर्ड रेट या स्टैंडर्ड कॉस्ट कह सकते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। ये चीज चार चीजें हमें इसमें कैलकुलेट करनी होती है। ये चार चीजें जब हम उसमें कैलकुलेट कर लेंगे तो डायरेक्ट हम क्वेश्चन में फॉर्मूले लिखेंगे और वैल्यू को पुटअप कर देंगे। तो एक से अधिक प्रकार के लेबर वेरियंस, एक से अधिक प्रकार के लेबर यूज होने पर अगर हमें लेबर कॉस्ट वेरियंस निकालना हो तो सबसे पहले हमें ये मिक्स बनाना है। मिक्स बनाने के बाद हमें इन चार चीजों के लिए चेक करना है कि इनमें से हमें कौन कौन सी कैलकुलेट करनी है और कौन कौन सा कैलकुलेट नहीं करना। तो इन चारों की अलग अलग कंडीशन होती है। ये हम तभी कैलकुलेट करते हैं जब हमें मटेरियल यील्ड वेरियंस निकालना हो, अदरवाइज स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। स्टैंडर्ड यील्ड से हम तभी कैलकुलेट करेंगे जब अपने को मटेरियल यील्ड वेरियंस कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए, अदरवाइज ये भी कैलकुलेट हम नहीं करेंगे। अब ये कैलकुलेट कब करेंगे मटेरियल यील्ड वेरियंस में और कब नहीं करेंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो हमें ये चेक करना होगा कि हमें न्यू एसेट्स कैलकुलेट करना है या नहीं करना, चाहे उसमें एक जैसी ही लेबर यूज हुई हो या एक से अधिक प्रकार की लेबर यूज हुई हो, उन दोनों में हमें पहला ये काम तो करना ही होगा। अब ये कब कैलकुलेट करना है उसकी कंडीशन है कि हमें दोनों आउटपुट के साथ मैच करना है, कि आपका स्टैंडर्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट अगर इक्वल है तो उस कंडीशन में हमें न्यू एसेट्स नहीं कैलकुलेट करना। अगर ये अनइक्वल है कि आपका स्टैंडर्ड इनपुट जैसे इस क्वेश्चन में 1 यूनिट है और अगले वाले क्वेश्चन में 10 यूनिट अनइक्वल है, तो अनइक्वल वाली कंडीशन में हमें न्यू एसेट्स कैलकुलेट करना होगा। अब जब हमें न्यू एसेट्स कैलकुलेट करना होगा तो इसके फॉर्मूले के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा पर्टिकुलर स्टैंडर्ड ओवर्स टोटल स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू एक्चुअल आउटपुट। इस फॉर्मूले के द्वारा हम न्यू एसेट्स
कैलकुलेट कर लेंगे अगर हमें कैलकुलेट करने की आवश्यकता हुई तो। अब हमें ये कैलकुलेट कब करना है कि हमें आउटपुट को देखना है, हमें क्या करना है आउटपुट को देखना है। अगर आउटपुट दोनों के इक्वल है तो हम न्यू एसएच कैलकुलेट नहीं करेंगे, अगर ये अनइक्वल है तो उस कंडीशन में हम न्यू एसएच कैलकुलेट करेंगे। अब ये एसएच के बाद हम बात करते हैं आरएसएच, यानी रिवाइज्ड स्टैंडर्ड ओवर्स। आरएसएच का मतलब होता है रिवाइज्ड स्टैंडर्ड ओवर्स, ये कब कैलकुलेट करेंगे। तो ये चेक करने के लिए हमें मिश्रण में इनपुट पे, ये किसके आधार पे कैलकुलेट होता है इनपुट पे, कि हमने इनपुट कितना दिया, टोटल इनपुट हमारा क्या है, ये हमेशा टोटल इनपुट पे काम करेगा। उसके आधार पर हम डिसाइड करेंगे कि आरएसएस कैलकुलेट करना है या नहीं करना है। तो अब यहाँ देखो स्टैंडर्ड इनपुट कितना है आपका 600 और एक्चुअल आउटपुट कितना है आपका 1400। इसमें भी दो कंडीशन होती है कि यदि आपका इनपुट इक्वल है तो उस कंडीशन में आरएसएस की कैलकुलेशन नहीं करनी। इक्वल का मतलब जो आपने टोटल स्टैंडर्ड इनपुट दिया है और जो आपका टोटल एक्चुअल इनपुट है वो दोनों बराबर है तो हमें कैलकुलेट नहीं करना होगा। अगर ये अनइक्वल है तो उस कंडीशन में हमें आरएसएस कैलकुलेट करना होगा। जैसे अभी वाले क्वेश्चन में यहाँ देखो स्टैंडर्ड मिक्स में कितना है आपका 600 ओवर्स है और एक्चुअल मिक्स में कितना है 1400 ओवर्स है, यानी अनइक्वल है, तो उस कंडीशन में हमें आरएसएस कैलकुलेट करना होगा। अगर हमें आरएसएस कैलकुलेट करना होगा तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो ये हो जाएगा पर्टिकुलर स्टैंडर्ड ओवर्स टोटल स्टैंडर्ड ओवर्स इनटू टोटल एक्चुअल ओवर्स। इस फॉर्मूले का यूज करते हुए हम न्यू एसएच यानी आरएस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दो चीजें हो गई कि हमें एसएच न्यू एसएच कब कैलकुलेट करना है, आरएसएच कब कैलकुलेट करना है, दो चीजें कंप्लीट हो चुकी है। अब तीसरे की बात करते हैं मटेरियल स्टैंडर्ड यील्ड वेरियंस यानी बेटर लेबर वेरियंस, लेबर कॉस्ट वेरियंस अगर हमें कैलकुलेट करना है तो उस कंडीशन में। अब इसके लिए क्या कंडीशन रहेगी, तो इसके लिए भी कंडीशन आरएसएच वाली ही रहेगी कि अगर किसी भी क्वेश्चन में इनपुट सेंडर यानी एस वाई को भी हमें कैलकुलेट करने के लिए किस बेसिस पर डिसाइड करेंगे, हमारा टोटल इनपुट क्या है, टोटल इनपुट के बेसिस पर डिसाइड करेंगे कि वो हमें ये एस वाई कैलकुलेट करना है या ये ही हमें ले यूज लेना है। तो अगर आपका इनपुट इक्वल है, इनपुट अगर इक्वल है तो उस कंडीशन में हमें एस वाई कैलकुलेट नहीं करना है। अगर आपका इनपुट अनइक्वल है तो उस कंडीशन में हमें एस वाई कैलकुलेट करना होगा। अगर अपना ये इक्वल हो इनपुट तो उस कंडीशन में जो अपना स्टैंडर्ड यील्ड है जो अपना स्टैंडर्ड आउटपुट है वो ही हमारे लिए स्टैंडर्ड यील्ड बन जाएगा और जो एक्चुअल आउटपुट है वो हमारे लिए एक्चुअल यील्ड बन जाएगा। किस कंडीशन में, जब अपना स्टैंडर्ड टोटल स्टैंडर्ड इनपुट और टोटल एक्चुअल इनपुट इक्वल हो, तो अगर ये अनइक्वल हो तो उस कंडीशन में हमें एस वाई कैलकुलेट करना होगा। तो एस वाई कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ लिखेंगे स्टैंडर्ड आउटपुट बटे टोटल स्टैंडर्ड ओवर्स इनटू टोटल एक्चुअल ओवर्स। तो इस तरह से हम एस वाई कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि कब एस वाई कैलकुलेट करना है और कब एस वाई को कैलकुलेट नहीं करना है। नेक्स्ट इसमें अपना रहा है स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट, हमें कैलकुलेट करनी ही होगी, न हमें आउटपुट देखना है न हमें इनपुट देखना है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट डिवाइड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट। इस फॉर्मूले के द्वारा हम कैलकुलेट कर लेंगे।